हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हेयर टू डिस्कस सिंपल टॉपिक बट लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स, दैट इज दी सिंपल मशीन्स। आई एम टॉकिंग अबाउट द लिवर टुडे। व्हाट इज एक्चुअली द लिवर? लिवर इज अ रॉड और अ बीम व्हिच इज यूज्ड टू फॉर एनी काइंड ऑफ यू नो द वे यू पिक अप द थिंग्स, वे यू पुट द लोड ऑन वन एंड। So with the help of the liver, we are able to carry out the force or the load in a very simple way. लिवर एक तरह का मशीन है। जैसे हम एक सिंपल सी एक स्केल ले लेते हैं, है ना, छोटा सा स्केल लिया और उसके एक वन कॉर्नर में आपने शार्पनर रखा, पुट इट इन इन बिटवीन सम काइंड ऑफ अ फोर्स, छोटा सा इरेजर भी स्ट्रॉन्ग, एंड देन यू जस्ट फ्रॉम वन एंड यू पुट द फोर्स। वो क्या होगा, फॉर वन वन कॉर्नर व्हाट हैपेंस, दैट पर्टिकुलर शार्पनर विल बी आप ओके विल एबल टू। सो दैट इज अ लिवर। लिवर यानी कि ऐसा एक रॉड है जो हेल्प करता है आपके काम को इजी बनाने। उसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए रॉड हो गया, आप पुली यूज करते हैं, नाउ डेज वी यूज हैमर ऑल्सो। सो वो उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक सिंपल रॉड यूज कर रहे हैं एंड वी आर यूजिंग दैट सो दैट इन डिफरेंट फॉर्म्स, सो दैट उसको हम अपने काम को बहुत आसानी से सिंपल वे में बना सके। ये वैसा ही है जैसे एक सिंपल मशीन को हम कैसे बनाएंगे, एक हैमर कैसे बना सिंपल स्टिक से, जिसको हम लिवर बोलते हैं, एंड एनी काइंड ऑफ अ शेप इन फ्रंट ऑफ दैट। ओके, हैमर कर रहे हैं बच्चों का भी वो आता है। उसको हमने एक सिंपल मशीन बनाया। अब उसके अंदर हम कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें डाल दें या कुछ ऑटो चीजें डाल दें या सम मोर एक्टिविटीज डाल दे, तो दैट मेक्स अ मशीन मोर कॉम्प्लेक्स। सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स मशीन्स। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द सिंपल मशीन्स, थ्री थिंग्स एक्चुअली टेक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक फोर्स अप्लाई क्या करते हैं उस पे, वो फोर्स कहाँ अप्लाई होती, लोड कहाँ दिया जाता है, एट द फलक्रम जिसको हम पाइवट भी बोलते हैं, या फिर एक सपोर्ट जो हम इस तरह से अगर एक रॉड लेते हैं उसमें हमने फलक्रम यूज किया, मींस कोई सपोर्ट यूज किया टू पिक अप एन ऑब्जेक्ट। ओके, एंड फोर्स इज अप्लाइड हियर, फोर्स हम यहाँ अप्लाई करेंगे। सो व्हाट हैपेंस, ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। ओके, सो दैट इज अ फलक्रम एंड वी इजिली वे वी कैन पिक अप दिस स्टोन और एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो हमने अगर ये नहीं होता मान लिया जाए तो व्हाट हैपेंस, इट विल बी इन अ स्ट्रिंग, हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता, उसकी वजह से माइट बी ये स्लिप भी हो सकता है और ये सीधा भी रहेगा या स्ट्रेट पेन भी रहेगा। सो टू पुट इट इन अ सपोर्ट वी पुट अ फल्क्रम इन बिटवीन सो दैट वी कैन इजिली कैरी ऑन वेरी हैवी ऑब्जेक्ट्स। आपने देखा होगा वेरी हरे हैवी ऑब्जेक्ट्स इन द फील्ड, इफ यू वॉन्ट टू मूव दैट पर्टिकुलर स्टोन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वे, वी नीड अ रॉड एज वेल एज अ फल्क्रम और अ स्टोन, वी कीप इट डाउन एंड वी पुल इट, और वी पुट अ फोर्स एट वन एंड पुटिंग द अदर वे लोड एट अदर, और वी कैन से डिस्प्लेस कर देते ऑब्जेक्ट। सो व्हेन वी डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट इट मींस दैट वर्क इज डन हो गया। ओके, एंड मशीन ऑलवेज मेक्स योर वर्क इजियर। हम ऐसी मशीन यूज करते हैं जिससे कि हम अपना काम आसानी से कर सकें। ओके, तो वो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन का क्या रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द फर्स्ट क्लास लिवर, इन दिस फर्स्ट क्लास ऑफ लिवर वी से दैट द फल्क्रम इज लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द प्लेन, लाइक सी सॉ। सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा सी सॉ। सी सॉ देखा, सिंपल पेन, फॉर एग्जाम्पल दिस आई हैव पुट इट फॉर यू। सो दिस इज द पेन ओवर हियर, दिस द फल्क्रम ओवर हियर, फोर्स एंड लोड, ये हम नाम दे रहे हैं अभी फोर्स एंड लोड, बट बेसिकली अगर आप नहीं देखते हैं तो हम सिर्फ सिंपल ये देखेंगे कि द वे इट इज मूव, है ना, ये कैसे मूव करेगा और लोड करके किस तरह से ये चीज एनिमेट होके और ये मूव करेगी, वो हम इसमें देख सकते हैं बहुत आसानी से कि जिस तरह से अगर फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया है। फॉर एग्जाम्पल, हमने फोर्स यहाँ पे इसको अप्लाई करके हम ये अगर यूज करते हैं, जस्ट मिनट देन आई लेट यू नो दैट हाउ इट एक्चुअली विल मूव डाउन। सी दिस वे, अब ये मूव कर रहा है। ओके, इफ इट इज मूविंग, सी मूव कर रहा है, इट मींस यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया है हमने, ठीक है, फोर्स अप्लाई सो दैट यहाँ पे इस स्टोन को हम, ये दिस स्टोन, इस स्टोन को हम मूव कर सके। अगेन सी,
ये स्टोन लोड डाला, इट मूव्स डाउन, देन अगेन द फोर्स इज अप्लाइड ओवर हियर सो दैट इट विल मूव एट द अपर पोर्शन, या हम स्टोन को डिस्प्लेस कर सके अपनी ऑब्जेक्ट से. सो दिस इज द फर्स्ट क्लास लीवर. इसमें सिंपल हम बोल सकते हैं कि फलक्रम इज इन बिटवीन. एक ये चीज बहुत ध्यान से रखना कि फलक्रम फर्स्ट क्लास में बिटवीन में है. मैं अभी इसको बताऊंगी कि क्यों ध्यान रख. ठीक है, फलक्रम इज इन बिटवीन द लोड एंड द एफर्ट. देन टॉकिंग अबाउट द सेकेंड क्लास लीवर, द सेकेंड क्लास लीवर इज इन द फलक्रम इज एट वन एंड, फलक्रम एक एंड में होता है एंड द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द अदर एंड. ओके, सो द वेट इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ दीज टू. यहां से जैसे नट क्रैकर की हम बात करते हैं तो नट क्रैकर में क्या होता है, इन बिटवीन द नट इज केप्ट, ये हमारा लोड है ना. अब इसको ब्रेक करना है तो हमें फोर्स यहाँ पे देना पड़ेगा, या बोल सकते हैं एफर्ट हमें यहाँ डालना पड़ेगा. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई ज्वाइंट होना जरूरी है, मींस फलक्रम या पाइवेट होना जरूरी है सो दैट इट कैन मूव एंड रोटेट फ्रॉम वन पॉइंट एंड कैन एक्सर्ट द प्रेशर सो दैट दिस नट कैन बी क्रैक्ड और उसको तोड़ दिया जा सके. सो हियर व्हाट हैपेंस, द वेट और द वी कैन से द लोड इज इन, ये सेकेंड. देखो फर्स्ट में क्या था, द फलक्रम इज बिटवीन एंड इन सेकेंड इट इज द लोड इज इन बिटवीन. देन इफ यू टॉक अबाउट द थर्ड क्लास लिवर, दीज आर द लिवर्स इन विच द फलक्रम इज एट वन एंड एंड द फोर्स इज अप्लाइड इन द मिडल. फोर्स जो है वो इन मिडल अप्लाई होगी एंड द वेट इज ऑन द अदर एंड. सी इफ यू टेक द सेप हैमर का शेप देखते हैं, यहाँ पे एफर्ट हमने बिटवीन डाला, लोड इज एट वन कॉर्नर जिससे कि ये मूव कर पाएगा एंड फलक्रम इज ये. इट इज सेम एज दीज हैमर को हम मूव करते हैं. सही है, तो हैमर को अगर मूव कर रहे हैं तो यहां से हम इसको क्या दे रहे हैं, इसको फलक्रम दे रहे हैं, मतलब इसको पकड़ सके हम यहाँ से, इसमें एफर्ट डालने की फोर्स पकड़ना, यहाँ पे हम इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं एंड देन वी पुट इट अप एंड डाउन सो दैट वी कैन हिट इट ऑन द ग्राउंड. सो दिस वे ये हैमर काम करेगा. ओके, एंड दिस वे द थर्ड क्लास. तो अब थर्ड क्लास में क्या वो देखा हमने कि एफर्ट या फोर्स वॉज इन बिटवीन. ठीक है, द फोर्स वॉज इन बिटवीन. अब अगर हम इसको याद कैसे करें, हाउ विल यू रिमेंबर इट, द वन मेथड आई लेट यू नो दैट हाउ टू रिमेंबर दैट, यू नो द थ्री पॉइंट्स आर देयर, फोर्स हो गया, वेट हो गया, ठीक है, और द लोड हो गया, उसको हम वेट को लोड भी बोल सकते हैं, एफ एल एन ई. ठीक है, तो ई को एफर्ट या फोर्स बोल सकते हैं. सो अगर हम इसको याद करें फर्स्ट सेकेंड, तो सबसे अच्छा उसका मिडिल वाला पोर्शन है ना, उसको बीच में कौन सा पोर्शन रहा है, ये व्हाट इज इन बिटवीन, लाइक फॉर द फर्स्ट क्लास फलक्रम इज बिटवीन है ना, सेकेंड क्लास में हमने क्या देखा, लोड वॉज इन बिटवीन, सेकेंड में लोड वॉज इन बिटवीन एंड थर्ड में एफर्ट वॉज इन बिटवीन. तो या तो आप यू रिमेंबर द थिंग्स विच आर सिचुएटेड इन बिटवीन, द रेस्ट अदर साइड यू कैन रिमेंबर इट. लाइक आई यूज टू से टू माई स्टूडेंट टू लर्न एफ एल ई. एफ एल ई का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे फर्स्ट में फलक्रम इज इन बिटवीन, सेकेंड में लोड इज इन बिटवीन एंड थर्ड में एफर्ट इज इन बिटवीन. वी आर टॉकिंग अबाउट द मिडल पोजिशन. फ्रॉम दिस मिडल पोजिशन वी विल एबल टू मेक इट आउट, लाइक फॉर द फलक्रम इज बिटवीन इट इज अ सीसॉ. ओके, वेन द लोड इज इन बिटवीन देन इट इज अ नट क्रैकर एंड वेट एन एफर्ट इज इन बिटवीन सो इट विल बी ए टोंग्स और फिशिंग रॉड. यस आई थिंक सो, आई एम करेक्ट ओवर हियर. सो जस्ट टू सी वन मोर थिंग, आई जस्ट लेट यू नो अबाउट दिस फ्रॉम द बुक इट सेल्फ, आई हैव सीन फ्रॉम योर बुक. सो दिस वे सी हियर, इन क्लास थर्ड देयर द फिशिंग रॉड्स एंड द नट क्रैकर्स, द टोंग्स ओवर हियर. सी हियर एफर्ट यहाँ पे बीच में डाला है. अब आपको ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल, इफ यू हैव द न्यूमेरिकल हियर, यू जस्ट टेक केयर ऑफ दैट इफ द फलक्रम इज बिटवीन एंड यू हैव बीन गिवन द लोड, सो द एफर्ट आपको अगर निकालना है तो यू विल बी एबल टू टेक इट आउट द एफर्ट इन अ वेरी गुड वे. एफ एल ई पोर्शन में बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं हम, अगर आपको ये मेथडोलॉजी ऑफ हाउ टू मेक इट और हाउ टू यू नो ड्रॉ द क्लास वन एंड क्लास टू एंड क्लास थ्री लेवल एंड वॉट आर द पोजिशंस ऑफ एफ एल ई. सो दिस वे दिस वॉज द सिंपल लेवर पोजिशन दैट इज द क्लास वन क्लास टू एंड क्लास थ्री. सो आई होप यू लाइक इट.
एंड थैंक यू, यू लाइक माई वीडियो.